जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब चकाचक न? तो गुरु हो जाइए शुरू, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर वन रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर वन रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है गुरुवार और दिनांक है 6 जुलाई। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आइए आगाज करते हैं आज के शो का, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, जब से सावन लगा है, बहुत सारे मित्र यही पूछ रहे हैं कि भाई इस बार दो दो सावन कैसे, या दो महीने या अधिमास होता ही क्यों है, इसका क्या रहस्य है? तो हमने सोचा कि ये प्रश्न तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं के मन में भी होगा, तो आइए आज आपको इसका रहस्य बताते हैं। दरअसल हमारे यहाँ समय की गणना करने के लिए सौर और चंद्र दो प्रकार के वर्ष होते हैं। सौर वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पर और चंद्र वर्ष चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पर आधारित होता है। इस प्रकार एक सौर वर्ष में 365 दिन और एक चंद्र वर्ष में लगभग 354 दिन होते हैं, यानी दोनों में 11 दिन का अंतर होता है, जो तीन वर्षों में करीब एक माह के बराबर हो जाता है। ऐसे में जिस माह में सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती, उसे ही अधिक मास कहते हैं। यह तो हुआ इसका ज्योतिषीय या भौगोलिक कारण। अब यदि पुराणों में देखें तो वहां कहा गया है कि दैत्य राज्य हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदानों की शर्तों का पालन करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं इस मास की सृष्टि की थी और इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया था। तब से यह पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। जो गणना आपको बताया उसके अनुसार तीन वर्षों में 33 दिनों की वृद्धि होती है, इसलिए इस महीने में 33 की संख्या में दान इत्यादि किए जाते हैं। काशी में पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर गोदौलिया के पास है, जहां दर्शन करके काशीपुरी की यात्रा करने की प्राचीन परंपरा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस अधिक मास में शहद, चावल का माड़, मांस मदिरा, चौलाई, उरद, राई, दाल, तिल का तेल, नागरमुथा, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन और दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। तांबे के बर्तन में गाय का दूध, चमड़े के पात्र में रखा हुआ पानी और केवल अपने लिए ही पकाए हुए भोजन को दूषित अन्न कहा जाता है। तो गुरु, बाबा विश्वनाथ की नगरी, सावन का महीना और पुरुषोत्तम मास, क्या सुंदर संयोग है। इस बार पूरा बनारस एकदम हरिहर की पूजा में व्यस्त और चारों ओर हरियर होके मस्त हो गया है। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर वन रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर वन रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। और आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या है देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP बिल को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक को आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। बिल के कानून में बदलने के साथ ही डिजिटल डेटा शेयर की जानकारी लेना आपका अधिकार हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके डिजिटल डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वह निजी कंपनियों के साथ सरकार से भी अपने डेटा की जानकारी मांग सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 2 दिवसीय काशी यात्रा पर आ रहे प्रधानमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 7 जुलाई को वाजिदपुर में जनसभा भी उनकी प्रस्तावित है। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। DCP ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह के अनुसार सुबह 10 बजे से जनसभा के समाप्ति तक सुगम यातायात के लिए मार्गों पर प्रतिबंध और पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर आज यानी 6 जुलाई को फुल ड्रेस रिहर्सल शाम 4 बजे से होगा। इस दौरान भी थोड़े वक्त के लिए यातायात प्रतिबंधित रहेगा। रेल प्रशासन की सावन माह की तैयारियां जमीन पर उतरने लगी हैं। भीड़ की आशंका के दृष्टिगत फुट ओवर ब्रिज कोई 640 सीढ़ियों यानी एस्केलेटर को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पहला प्रवेश द्वार के दोनों 640 सीढ़ियों सावन के पहले सोमवार से पहले ही चलने लगेंगी। यात्रियों को द्वितीय प्रवेश द्वार से प्लेटफॉर्म पर जाना अब और ज्यादा आसान लगने लगा है। अनारक्षित टिकट का एक रेल काउंटर, 2 टिकट वेडिंग मशीन, 2 विश्रामालय, 2 फुट ओवर ब्रिज और 4 स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है।
सप्ताह में दो दिन रोडवेज यात्रियों को अपनी जेब अब ढीली करनी पड़ेगी। वाराणसी प्रयागराज, वाराणसी विंध्याचल और वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर संचालित बसों में 10-12% किराए की वृद्धि अस्थायी रूप से की गई है। यह व्यवस्था प्रत्येक शनिवार की रात 12 बजे से लेकर सोमवार की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। शेष दिनों में यात्रियों से सामान्य किराया ही लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का दूसरा सत्र इस बार 13 से 15 अक्टूबर तक होगा। समारोह में 60 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें से उत्कृष्ट फिल्मों का विविध क्षेत्रों में अलग अलग मापदंडों पर चयन कर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये जानकारी मंगलवार को नागरिक मंडली प्रेक्षागृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कला एवं समारोह के निदेशक सुमित मिश्रा ने दी। कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य शंकर विजयेंद्र सरस्वती बुधवार की रात काशी पहुंचे। रथ पर सवार होकर जब वे नगर में निकले तो शिव की नगरी उनके स्वागत को उमड़ पड़ी। इसमें सनातन संस्कृति का वैभव दिखा। भगवा पताकाओं से पटा आसमान और हर हर महादेव के उद्घोष से दिशाएं गूंज उठी। रथ हाथी घोड़े के साथ पैदल चल रहे श्रद्धालु समूह में शामिल संत महंत दंडी वेद पाठी बटुक गृहस्थ और शिव के गणों समेत देवरूप धरे भक्त आकर्षण का केंद्र रहे। डमरुओं का डिमडिम निनाद, वाद्य यंत्रों का घोष, गूंजते वेद मंत्रों से पूर्णतया धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण विभोर करने वाला रहा। जगह जगह होती पुष्प वर्षा, आरती और उनके स्वागत और चरण स्पर्श की होड़ लगी रही। पीठारोहण के बाद शंकराचार्य का यह पहला काशी आगमन है। शंकराचार्य जी महाराज आज यानी 6 जुलाई को श्री काशी विश्वनाथ धाम में चातुर्मास का संकल्प लेंगे और आगामी 88 दिनों यानी 30 सितंबर तक काशी में प्रवास पर रहेंगे। ऐसे में उनके इस संकल्प के विषय में विस्तृत जानकारी देने के लिए और चातुर्मास का महत्व बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं चातुर्मास कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं स्वागत समिति के कार्यकारी संयोजक और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार दुबे। तो आइए सुनते हैं वे क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस के सभी श्रोताओं को नमस्कार। संसार के प्रत्येक सन्यासियों का धर्म है कि वर्षा ऋतु के मौसम में कहीं न कहीं किसी एक स्थान पर चातुर्मास करते हैं। इस वर्ष जगतगुरु कांची शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज काशी पधार चुके हैं। लोक कल्याण इस वर्ष का चातुर्मास वे काशी में करेंगे। इस वर्ष सावन 2 मास का है। पुरुषोत्तम मास में शिव और विष्णु दोनों का विशेष महत्व है। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश हुआ है जो अगले वर्ष फाल्गुन मास तक रहेंगे। गंगा पुष्कर भी है, इसलिए कांची शंकराचार्य जी ने काशी में 3 माह तक विशेष अनुष्ठान का निर्णय लिया है। काशी और कांची आध्यात्मिक नगरी होने के साथ साथ विद्या की भी नगरी है। भारत की परंपराओं को संरक्षित रखने में दोनों नगरों का विशेष योगदान रहा है। काशी और कांची महेश्वर के 2 नेत्र हैं। कांची शंकराचार्य जी रामेश्वर से बालू लेकर चले थे प्रयाग की त्रिवेणी में उसका विसर्जन कर वहां से त्रिवेणी का जल लेकर काशी आए हैं। इस जल से रामेश्वर में महेश्वर का अभिषेक होगा। काशी प्रवास के दौरान कांची शंकराचार्य जी महाराज का दर्शन नित्य प्रातः 7:30 से 9:30 बजे तक श्री कांची काम कोटेश्वर मंदिर हनुमान घाट और सायं 6:30 से 8:30 बजे तक चेत सिंह किला शिवाला में होगा। इसका लाभ भक्त उठा सकते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य जी पट्टाभिषेक के बाद काशी, चूंकि इतने सारे विशेष स्थितियां बहुत वर्षों के बाद पैदा हुई हैं और इसी निमित्त उन्होंने जब गंगा पुष्कर भी हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश हुआ है जो बहुत ही विरले बहुत बहुत पुण्य के बाद ऐसा अवसर प्राप्त होता है जो एक वर्ष तक रहेगा। इस निमित्त जगतगुरु शंकराचार्य जी आए हैं और आज प्रातः वो कुछ देर में विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और गर्भगृह में लोक कल्याणार्थ बाबा विश्वनाथ के समक्ष बैठ करके विशेष अनुष्ठान पूजन कर चतुर्मास व्रत का संकल्प लेंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो पहले आएगा पहले स्थान पाएगा
और प्रभु का शंकराचार्य जी का पहले ही उसको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा, जब कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के लिए। सर आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार दुबे को, और आइए श्रोताओं अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। आपको बता दें कि आज ही वर्ष 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, और आज ही के दिन वर्ष 1885 में लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आज है जन्मदिन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और समाज सुधारिका लक्ष्मीबाई केलकर का। साथ ही है जन्मदिन महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह का, और पुण्यतिथि है कवि प्रताप नारायण मिश्र, बाबू जगजीवन राम, निर्माता निर्देशक चेतन आनंद और उद्योगपति धीरू भाई अंबानी की। निर्माता निर्देशक चेतन आनंद पर हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे 8:45 पर कार्यक्रम मधुरिमा में। और अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। काशी कथा। दोस्तों काशी कथा के आज के अंक में बातें अमरपुर मोहल्ले की, जिसे कुछ लोग मढ़िया नाम से भी जानते हैं, अभी भी नहीं समझे। अमरपुर मोहल्ले को काशी की आम जनता शैलपुत्री के नाम से जानती है। यहाँ काशी खंडोक्त भगवान शैलेश्वर महादेव का शिवलिंग और भगवती शैलेश्वरी का अति प्राचीन स्थान है। इस संबंध में काशी खंड में जो कथा प्राप्त होती है उसके अनुसार परम कृपालु आशुतोष भगवान जब पर्वतराज की पुत्री पार्वती का विवाह करके आए तो वे अपने स्थान को चले गए। कुछ दिनों के बाद पार्वती के माता पिता को यह चिंता हुई कि हमारी पुत्री कहाँ है और किस परिस्थिति में है। ऐसे में पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री की चिंता करते हुए अपने भंडार से करोड़ों तोले रत्न लिए और अपनी बेटी से भेंट करने के लिए चल दिए, और चलते चलते वे वरुणा तट पर यहीं अमरपुर में आकर रुके। उस वक्त काशी का तत्कालीन शोभा, ऐश्वर्य और नगर सौंदर्य को देखकर वे विमुग्ध हो गए। उन्होंने अपने साथ लाई हुई रत्न राशि अत्यंत अल्प जान पड़ी। वे बड़े लज्जित हुए और काशी में शिवालय के निर्माण का विचार किया। उनकी इच्छा को जानकर उनके साथ आए अनुचरों ने वरुणा तट पर रातों रात एक सुंदर सा शिवालय बना दिया। हिमवान ने प्रसन्न मन से वहीं शैलेश्वर महादेव के नाम से एक शिवलिंग स्थापित कर दिया और उसकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके अपने स्थान को चले गए। उन्होंने शिवालय पर एक प्रशस्ति पत्र भी लिखवा दिया था। सुबह हुई तो हुंडन तुंडन नाम के शिवगणों ने इस नवनिर्मित शिवालय की सूचना शिवजी को दी। शिवजी पार्वती को साथ लेकर रथारूढ़ होकर यहाँ पहुँचे। अपने पिता के द्वारा स्थापित शिवलिंग और प्रशस्ति पत्र को देखकर पार्वती जी ने शिवजी से अनुरोध किया कि आप इस शिवलिंग में हमेशा के लिए विराजमान रहें। भगवान ने तथास्तु कहा और शिवलिंग में प्रविष्ट हो गए। भगवती भी वहीं शैलेश्वरी बनकर बस गई। इतिहासकार बताते हैं कि काशी में दुर्गा जी के 9 प्रधान पीठ थे, लेकिन उनके प्राचीन स्थानों का स्पष्ट स्थान निर्देश नहीं मिलता। वर्तमान परंपरा में दुर्गा कवच में बताए गए दुर्गा के 9 नामों से देवी के 9 पीठों का संबंध स्थापित हो गया है। इनमें प्रथम शैलपुत्री दुर्गा के रूप में इन्हीं शैलेश्वरी देवी का दर्शन पूजन होता है। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों के पहले दिन यहाँ भारी भीड़ और मेला लगता है। दूर दूर से दुर्गा जी के भक्त यहाँ आते हैं और माता की पूजा अर्चना कर सफल मनोरथ होते हैं। क्षेत्र में सरैया पुलिस चौकी के पीछे काशी खंडोक्त अनारक ह्रद यानी अमरैया तालाब है। हालांकि अब यह बहुत हद तक पट चला है, जबकि काशी खंडोक्त हुंडनेश और मुंडनेश के स्थान कहाँ है ये स्थानीय जनता नहीं जानती, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थान अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये था काशी कथा का आज का अंक। तो श्रोताओं घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है। चलते चलते आपको मौसम की जानकारी दे दें कि यह जो मौसम बना हुआ है भयंकर उमस वाला, ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है, बहुत जल्द बारिश आने वाली है, तो बारिश से बचाव भी आवश्यक है।
घर से जब बाहर निकलें तो अपने साथ एक प्लास्टिक का बैग जरूर रखें, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉच और मोबाइल हाथ में होता है, तो उसकी सुरक्षा भी जरूरी होती है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा को विशेष महत्व दें। छाता साथ में रख सकते हैं, बरसाती साथ में रख सकते हैं, जिससे कि बारिश से बच सकें और इसकी वजह से अनावश्यक उत्पन्न शारीरिक बाधा से भी बच सके। तो गुरु, अब वक्त हो चला है, दीजिए अपने बनारसी बाबू को अनुमति। गुरु मस्त रहा, मस्त करा, जय जय बनारस।